अभी इलेक्टोरल डेब्यू की बात हो रही थी कि कांग्रेस की टिकट थी। प्लीज वेट एंड वॉच। ये हो सकता है, यू आर नॉट रूलिंग आउट द प्लीज वेट एंड वॉच, क्योंकि वो अभी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। तो मैंने कहा था कि देन आई कैन नॉट एंटरटेन एनीथिंग, और फिर भी वो जो है प्रदेश अध्यक्ष का अप्रोच कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक हुई, जिसमें 90 की 90 विधानसभा सीटों पर टिकटार्थियों को लेकर चर्चा पूरी कर ली गई। बैठक खत्म होने के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि कल फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी, जिसमें फाइनल पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर दीपक बाबरिया ने विनेश फोगाट के कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर भी बड़ा संकेत दिया, और साथ ही टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली को लेकर भी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। पेंडिंग सीटें नहीं, आज जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ, कल फाइनल डिस्कशन करके पैनल जो यानी कि फाइनल रिकमेंडेशन का ड्राफ्ट बना दिया जाएगा। कल भी मैं स्पष्टता कर चुका हूँ, आवश्यकता के अनुसार सिंगल भी हो सकता है, कई जगह पे दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। वो कल आए थे मुझसे मिलने आए थे, और मैंने उनको स्पष्टता की है कि हम ये मौके पे हम उनको एकोमोडेट नहीं कर सकते, फिर भी वो ट्राई कर सकते हैं, और क्योंकि वो अभी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। तो मैंने कहा था कि देन आई कैन नॉट एंटरटेन एनीथिंग, और फिर भी वो जो है प्रदेश अध्यक्ष का अप्रोच कर सकते हैं। क्या उनके टिकट पर आलाकमान फैसला कर सकते हैं? शामिल होने की बात कर रहे थे कि शामिल नहीं हुए। अभी तो जो है यहाँ पीसी की मीटिंग में और कोई जगह पे कोई चर्चा नहीं है। आज नहीं बता सकता मैंने स्टडी भी नहीं किया। बता दें कि जजपा से इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र बबली ने बीते दिनों कुमारी सैलजा और दीपक बाबरिया से मुलाकात की थी, जिसके बाद से बबली के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें लगने लगी थी। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बाबरिया से बबली को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बैठक में बबली को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि देवेंद्र बबली अभी तक कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि बाबरिया ने इतना जरूर कहा कि अगर बबली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।